हेलो फ्रेंड्स, विटामिन डी को सनलाइट विटामिन भी कहते हैं क्योंकि इसका मुख्य स्रोत सूरज की किरणें होती है। इस विटामिन से हड्डियों की सेहत खास प्रभावित होती है। जो व्यक्ति हमेशा बंद कमरे में रहता है या जिनसे पर्याप्त धूप नहीं मिलती उसके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरह विटामिन डी की कमी के लक्षण पहचान कर वक्त रहते इस कमी को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए दिन में कम से कम 15 मिनट धूप लेना जरूरी होता है। इसके अलावा जिन इक्का दुक्का चीज़ों में विटामिन डी पाया जाता है उसका सेवन किया जा सकता है या फिर विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स और विटामिन डी की टेबलेट्स ले सकते हैं। नहीं बढ़ते जाऊँ फ्रेंड्स, विटामिन डी की कमी हो जाने पर शरीर पर किसी भी तरह की चोट भरने में दिक्कत आने लगती है। इन चोटों को ना भरना इस बात का संकेत हो सकता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगी है। विटामिन डी की कमी से घाव लाल के लाल पड़े रहते हैं और उन पर नई स्किन नहीं बनती। हड्डियों में दर्द। फ्रेंड्स, जैसा कि पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि विटामिन डी हड्डियों की सेहत को प्रभावित करता है। विटामिन डी की कमी होने पर शरीर कैल्शियम को अच्छे से सोखने में असमर्थ होने लगता है। इससे हड्डियाँ कमजोर पड़ने लगती है और हड्डियों में दर्द की समस्या हो जाती है। बार बार बीमार होना। फ्रेंड्स, विटामिन डी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विटामिन की कमी से बैक्टीरिया से लड़ने में शरीर को दिक्कत आने लगती है और सेल्स इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाते। अगर आप बार बार बीमार पड़ने लगे तो हो सकता है आपको विटामिन डी की कमी हो गई है। मांसपेशियों में दर्द। दोस्तों, मसल्स या मांसपेशियों में दर्द होना भी विटामिन डी की कमी का संकेत है। इस विटामिन की कमी से नसों की सेल्स में दर्द उठता है और खासकर हाथ और पैरों के मसल में अकड़न रहती है। बालों का झड़ना। फ्रेंड्स, विटामिन डी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसकी कमी बालों की जड़ों को भी कमजोर कर सकती है। हाथ लगाए रहते ही बाल झड़ने लगे या टूटकर गिर जाते हैं तो विटामिन डी की कमी इसकी वजह हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।